बात उन दिनों की है जब पापा का पोस्टिंग रायपुर में था और हम दोनों भाई बहन छोटे थे। शिवम मेरा छोटा भाई, जिसे हम प्यार से शिब्बू बोलते हैं, उसे खिलौनों का बहुत शौक था, जैसा कि हर बच्चे को होता है। रायपुर में हर साल रामदेव जी का मेला सितंबर माह में लगता था, जो लगभग 5 दिन तक चलता था। इस बीच बच्चे खूब खिलौने लाते और खेलते। इस साल शिवम के एक खिलौने से हम सभी का इतना लगाव हो गया था जैसे वह घर का एक सदस्य हो, और वह था शिब्बू का हेलीकॉप्टर। यदि मन को भाने वाली वस्तु हो तो वह निर्जीव ही क्यों ना हो, उससे सजीवों जैसा लगाव हो ही जाता है। इसी संदर्भ में सुनिए एक रियल स्टोरी। रायपुर में बाबा रामदेव जी का मेला 19 सितंबर 2019 से 23 सितंबर 2019 तक लगा। मेले से पूर्व शिब्बू की और मेरी मेले में घूमने, डॉलर, रेलगाड़ी, मिक्की माउस, ड्रैगन, चक्री आदि में आनंद लेने की योजना के साथ साथ खिलौने लेने की भी योजना बन गई। शिवम तो मेले के उद्घाटन से पहले ही रोज दूसरी मंजिल की छत पर मेले के झूलों को देखकर प्रफुल्लित हो जाता। अब 19 तारीख भी आ गई, हमारा इंतजार खत्म, बस मेले में जाने की जिद। स्कूल से हम घर लगभग 1:30 बजे पहुंचते, तभी से शिवम मेले में जाने के लिए जिद करता। पापा के स्कूल से आने से पहले ही शिवम मम्मी के साथ मेले की सारी प्लानिंग कर लेता और पापा के आते ही उसकी योजना शुरू हो जाती। अब तो रोज मेले में जाना, तरह तरह के झूलों में झूलना, मस्ती करना और रोज नए खिलौनों की जिद करना। सारे मेले में घूमकर शिब्बू की नज़र एक हेलीकॉप्टर पर अटक गई। पूरे मेले में घूमकर उस हेलीकॉप्टर की दुकान पर आकर शिवम रुक जाता और बहाने बनाकर दुकानदार से कभी बंदूक, कभी डॉक्टर सेट की कीमत पूछता, पर उसकी नज़र हेलीकॉप्टर की तरफ रहती। रेट ज़्यादा है ऐसा बहाना बनाकर अपने मुंह से अनेक हाव भाव बनाता। पापा ने शिवम की बाल मनोवृत्ति को पहचानते हुए और शिवम की मासूमियत को देखकर दुकानदार से इशारों इशारों में हेलीकॉप्टर का 400 रुपये में सौदा कर दिया। शिवम को जब ये यकीन हो गया कि पापा ने मेरे लिए मनचाही चीज़ खरीद ली, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेले में इस तरह चलने लगा मानो उसके पंख लग गए हों। अब शिवम का मन मेला देखने में नहीं लग रहा था, उसका जी कर रहा था कि कब घर पहुँचें और हेलीकॉप्टर उड़ाऊँ। आधा घंटे मेले में घूमने के बाद घर लौटे तो शिवम ने खाना ही नहीं खाया, हेलीकॉप्टर उड़ाने के चक्कर में उसकी भूख ही उड़ गई थी। घर आते ही लॉन में शिवम ने हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया और वह उसे ऐसे उड़ा रहा था जैसे कोई पायलट उसमें बैठकर ही उड़ा रहा हो। अब तो रोज़ मैं और शिवम लॉन में हेलीकॉप्टर की बैटरी लो होने तक उसे उड़ाते। 3 दिन बाद शिवम ने सोचा कि घर का लॉन छोटा है, क्यों ना इसे खुले मैदान में उड़ाया जाए। तो शाम को हम कैमुनिया रोड पर घूमने जाते, वहाँ खेतों में खुली जगह पर शिब्बू हेलीकॉप्टर उड़ाता और हम सभी को बड़ा आनंद आता। अब तो रोज़ का यही काम, रोज़ शाम को घूमने जाना और शिवम को हेलीकॉप्टर उड़ाना। एक दिन 27 सितंबर को शाम को हम घूमने गए तो शिब्बू अपना हेलीकॉप्टर लेकर गया रोज़ाना की तरह। अब उसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था और उसे कंट्रोल करना भी आ गया था। अतः आज जोश जोश में उसने हेलीकॉप्टर को लगभग 50 फीट ऊंचा उड़ाया तो पापा बोले, और ऊंचा उड़ा शिवम, अच्छा लग रहा है। शिवम ने रिमोट का बटन दबाया, हेलीकॉप्टर अब लगभग 70-80 फीट ऊंचा उड़ गया होगा। तभी हेलीकॉप्टर का रिमोट से संपर्क टूट गया, हेलीकॉप्टर हवा से बातें करने लगा और मानो चंद्रयान की तरह तेजी से और ऊंचा उड़ गया। हम सब टकटकी लगाकर देखते रहे और हेलीकॉप्टर हमारी आंखों से ओझल हो गया। यह देख पापा लगभग आधा किलोमीटर उसकी ओर दौड़े, लेकिन हेलीकॉप्टर मानो रूठ गया और चंचल बालक की तरह गुस्से में तेजी से दौड़ रहा हो। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर अनंत में विलीन हो गया। शिवम की पथराई आंखें उसकी ओर देख रही थी, पर वह तो चला गया।
अब शिवम की शक्ल देखने लायक थी। थोड़ी देर हम सब निस्तब्ध हो गए। हेलीकॉप्टर से हमारा बच्चे जैसा लगाव हो गया था। अब हमने शिब्बू को समझाया कि कोई बात नहीं, अगले साल मेले से दूसरा खरीद लेंगे। मैदान से जब हम घर की ओर लौट रहे थे तो सभी की नज़र बार बार उस हेलीकॉप्टर के उड़ने की दिशा में जा रही थी। कोई उड़ती चिड़िया दिखाई देती तो ऐसा लगता कि हेलीकॉप्टर ही उड़ रहा है। ऐसे करते करते बुझे मन से घर पहुंचे। घर पर हमें ऐसा लग रहा था जैसे घर का कोई सदस्य बाहर गया हो। इस तरह शिवम के हेलीकॉप्टर का पटाक्षेप हुआ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड ब्लॉग्स को देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको भी किसी चीज़ से ऐसा लगाव हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।